हे दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप ठीक होंगे बिल्कुल। और आप लोगों से 1000 अपॉलोजीज, काफ़ी लेट कंटेंट मैं अपलोड कर रहा हूँ इस वीक। रीज़न ये है कि मैं फुल टाइम जो है वो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बिज़ी हूँ करेंटली। और फर्दर मोर ये है कि मेरा जो ऑफिस है वो जो है वो स्टार्ट हो चुका है, यानी कि मैं वर्क फ्रॉम होम अभी करेंटली नहीं कर रहा हूँ। तो चलें, आज के दिन मैं आपको बताऊंगा नेपलीज स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये एक तना का बिज़नेस स्कूल है और ये नेपलीज रीजन के अंदर मौजूद है, जो कि एक बहुत ही मशहूर सिटी है जिसको निपोली भी कहा जाता है। और बहुत सारी चीज़ें आज के इस प्रोग्राम के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या है, प्रोग्राम कॉस्ट क्या चल रही है, स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करते हैं, रीजनल में आती भी है या फिर नहीं, एक्सेट्रा। तो दोस्तों, बताया जाए कि यूनिवर्सिटी ऑफ नेपलीज की ये बेसिकली एसोसिएटेड है। और मैं बताता चलूँ कि नेपलीज बिजनेस स्कूल या फिर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स इसको कहा जाता है, ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स से एफिलिएटेड है यूनिवर्सिटी ऑफ नेपलीज फेडरिको टू से। और तो और इसको निपोली भी हम लोग बोलते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ निपोली एक्सेट्रा। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर रीडायरेक्ट हो जाता है डिपार्टमेंट का जिसके अंदर यहाँ पर मेंशन हुआ हुआ है। इसका भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, इस एक्सेप्टेंस रेट भी इसका क्वाइट अच्छा है। तो इसके बारे में भी मैं बनाऊंगा बहुत ही जल्द वीडियो, लेकिन आज के दिन मैं इस बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर कौन कौन से ये लोग प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं। इनका ये दावा है कि यहाँ से जो है जो भी पढ़ के जाता है वो मैक्सिमम 6 to 9 months के अंदर अंदर उनको जॉब मिल जाती है। खैर, लोगों के अपने अपने हैं एक तरीके का, क्या कर सकते हैं इसके अंदर। अब फर्दर नीचे जाएंगे तो हमारे सामने आ रहे थे, आर ऑफरिंग यू MEF विच इज़ मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स फाइनेंस, LMEF विच इज़ मैजिस्ट्राले इन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। लॉरा मैजिस्ट्राले बेसिकली यू कैन से दैट के यार मास्टर्स ही होता है बेसिकली। और इसके बाद लिखा हुआ है NPTE, जो कि ऑब्वियसली PhD इन इकोनॉमिक्स है। और फिर इसके बाद नेपली समर स्कूल है इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। समर स्कूल बेसिकली एक शॉर्ट टर्म का ड्यूरेशन का एक तरह का डिप्लोमा होता है जो कि क्रेडिट आवर होता है। और आपको अच्छी तरीके से पता होगा, मैंने बहुत सारे क्रेडिट आवर्स जो थे वो ऐसी डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन ले लेकर मैंने अपनी प्रोफाइल को फर्दर अच्छा किया। तो ये है इनकी है। अब फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई वॉन्टेड आई एम इंटरेस्टेड इन माई मास्टर इन इकनॉमिक्स एंड फाइनेंस, देन आई क्लिक ऑन इट। और ये इसके बाद ये आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से टर्म्स के अंदर ये लोग हैं। बेसिकली ये जो है वो तीन टर्म के अंदर डिवाइड किया गया है। ओके, यू कैन जस्ट चेक ओवर हेयर। और ये 1 साल का बेसिकली ये लोग प्रोग्राम्स करते हैं। और जब मैं फर्स्ट टर्म पर क्लिक करूँगा तो ये हमें बताएंगे कि वॉट आर द प्रोग्राम्स दैट दे विल बी फ्यूचर स्टूडेंट्स विल बी स्टार्टिंग इन इट। सो आपके सामने ये मौजूद है। थोड़ा सा आप लोग मेरी ना आवाज़ में जो है वो लेस एनर्जी सोच रहे होंगे कि इतने लो क्यों, क्योंकि मैं तो बहुत एग्जॉस्टेड हूँ अभी ऑनेस्टली स्पीकिंग। अब MEF तो हो गया। अब इसके बाद कोर्स स्ट्रक्चर मैंने जैसे कि आपको बता दिया। अब MEF का चले हम लोग देखते हैं कि एडमिशन एंड स्कॉलरशिप। अब तक जो है उन्होंने ये मेंशन लिखा हुआ है कि वो स्टूडेंट्स जिनकी जो एप्लीकेशन एवेल्यूएशन का जो क्राइटेरिया होता है उसमें 100 आउट ऑफ 110 मार्क्स अगर आएंगे ना तो वो उनको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप दे देते हैं। और तो और फर्दर ये कह रहे हैं कि ये लोग मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। और रीजनल के अंदर इस ऐसा उसमें कोई मेंशन नहीं है कि यार कि रीजनल के अंदर ये लोग प्रोवाइड करते हैं या फिर नहीं। और तो और एडमिशन प्रोसेस जो है वो बहुत ईजी है, ठीक है। दो हैं, फाइल प्रीलिमिनरी एप्लीकेशन एंड फॉर्मल एप्लीकेशन विच इज़ बेसिकली मेंशन देयर। बेसिकली जो प्रीलिमिनरी एप्लीकेशन को आप ये कह सकते हैं कि प्री इनरोलमेंट नहीं बल्कि प्री एप्लीकेशन, सॉरी मैंने मिस्टेकनली प्री इनरोलमेंट बोल दिया। अभी मैं एक रिसेंटली जो है वो एक कमेंट्स टाइप कर रहा था जिसके अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा था कि प्री इनरोलमेंट में क्या फ़र्क है प्री एप्लीकेशन में, प्री एवेल्यूएशन में। इतना मुश्किल उन लोगों ने समझ लिया है जबकि बहुत ईजी है। प्रीलिमिनरी एप्लीकेशन से मुराद ये होता है कि वो एप्लीकेशन जो कि हम किसी यूनिवर्सिटी में जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं तब हम इसको फिल करते हैं। और बहुत ईजी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। यू कैन जस्ट क्लिक चेक इट। यहाँ पर आपका रिज्यूमे मांग रहे हैं दे आर। इसके बाद ये कह रहे हैं कि साइन एंड सील्ड रेफरेंस लेटर बाय प्रोफेसर फ्रॉम एन एप्लीकेंट यूनिवर्सिटी। अब ये कह रहे हैं तो व्हाट कैन वी डू, वी हैव टू सेंड देम। और अगर आगे कोई ऐसे सच मांगेंगे रिक्वायरमेंट होगी डॉक्यूमेंट की तो आई विल शेयर इट। इसके बाद डिग्री इन ट्रांसक्रिप्ट ये लोग आपसे मांग रहे हैं यूजुअल। और फिर उसके बाद ये है कि मीडियम इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट आइल्स टोफिल हो गया। और इक्विवेलेंट ये कह रहे हैं कि इफ़ यू हैव प्रीवियस एजुकेशन स्टेटेड एंड कम्प्लीटली टॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम देन ऑब्वियसली दे वुड बी विलिंग टू कॉन्टैक्ट फॉर एन इंटरव्यू।
दिस इज़ द प्रोसीजर एंड अनदर थिंग इज़ फॉर्मल एप्लीकेशन. अब ये होता है कि फॉर दोज पीपल हु आर अप्लाइंग फॉर दिस एप्लीकेशन मस्ट हैव टू बी रजिस्टर्ड देम सेल्फ फ्राम यूनिवर्सिटी दिल्ली की स्टडी डी नेपोली फेडरिको टू. ये इसके ऊपर ये आपसे कह रहे हैं कि यहाँ से अब मैं फर्दर नीचे जाऊँगा कि दे आर टॉकिंग अबाउट द डेट्स और ये सब के लिए सेम ही हैं ऑलमोस्ट. तो 18th of Feb को यहाँ से एप्लीकेशन स्टार्ट हुए थे. फॉर नॉन ईयू स्टूडेंट्स एप्लीकेशन डेडलाइन इज 30th of June एंड फॉर इटालियन ईयू इज 28th of July. और इसके बाद फर्दर मोर कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन फीस फॉर द मैसेस अमाउंट्स टू 3,000 euros. ये पॉइंट का मतलब होता है कि कॉमा और ये जो कॉमा का मतलब होता है पॉइंट थोड़ा सा कन्फ्यूजन है परेशानी मत का. प्लस इसके बाद 140 euros रीजनल टैक्स एंड 14 euros स्टैम्प ड्यूटी. ये मैंडेटरी होता है बेसिकली. अब समझ में आ रही है फ़ीस क्या है इसकी. 3,000 euro है. जैसे कि मैंने मिसेना के अंदर आप देख सकते हैं कि वोकेशनल मास्टर्स प्रोग्राम के अंदर भी 3,000 समथिंग था. यहाँ पर भी ऐसा है क्योंकि एक साल का है. अब नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ते हैं तो वॉट दे डू बेसिकली दे रिड्यूस टू 1,000 ऐसे करके होता है. सो ये 1 ईयर का बेसिकली. अब ये कह रहे हैं कि दे ऑल्सो ऑफर द स्कॉलरशिप विच इज़ फंडेड बाई कंपनिया दी सान पाओलो. ये बेसिकली एक फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए लोग जो है एक अकेडमिक कमेटी है हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग बर्सरीज स्टाइपेंड्स और ग्रांट्स. ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं. दे ऑल्सो प्रोवाइड मॉनिटरी प्राइसेस एज वेल एट द मैसेस. और यहाँ पर LMEF जो है वो आप भी फर्दर देख सकते हैं लॉरम मजिस्ट्रालियन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस. ओके तो अब यहाँ पर 6 core मॉड्यूल्स हैं. अब ये 2 साल का बेसिकली होता है और इसमें लिखा हुआ है कि ट्यूशन फीस आर वेव फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स एक्सेप्ट रीजनल टैक्स. एंड फर्दर मोर हमेशा एक सवाल पूछते हैं भाई एप्लीकेशन फ़ीस तो नहीं है लेकिन सेमेस्टर फ़ीस कितनी है. तो भाई हो इटालियन ये तो सिंपल सी बात है कि फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए वेव हो जाती हैं. ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ योर जो भी हमारा टोटल फैमिली इनकम जो होती है उसके ऊपर ईसे बनता है. फॉर इटालियन एप्लीकेंट्स ट्यूशन फीस आर बेस्ड ऑन द फैमिली इनकम और ईसे वगैरह दोनों का सेम क्राइटेरिया होता है ऑलमोस्ट. तो होपफुली समझ में आ गया होगा. अब हम चलते हैं इसके एप्लीकेशन प्रोसीजर की तरफ. तो लेट्स सी इनका जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है सिंपल. आप MEF पर जाएं यहाँ पर एडमिशन एंड स्कॉलरशिप पर क्लिक कर दें. नीचे जाइए. नीचे जाने के बाद ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करें एंड देन यू विल फाउंड देयर एप्लीकेशन प्रोग्राम विच इज़ क्वाइट ईजी ऑनेस्टली स्पीकिंग. अब ये है कि देखें जो भी सारी चीज़ें मैं इसके अंदर जो होगी वो एग्जाम्पली के तौर पर मैं डिटेल्स इसमें ऐड करूँगा. कोई पर्सनल डिटेल्स नहीं. अच्छा यहाँ पर आपका फ़र्स्ट नेम जो कि मेरा शाहजेब और लास्ट नेम खान हो गया. डेट ऑफ बर्थ आप सिंपल यहाँ पर सेलेक्ट कर लें. सेलेक्ट योर जेंडर इज़ वेल एंड स्ट्रीट एड्रेस इज़ मैंडेटरी जो कि स्टेरिक इसमें लिखा हुआ है. आप यहाँ पर ऐड कीजिए सिटी. ज़िप कोड जो होता है हर सिटी का एक अलग ज़िप कोड होता है तो आप वो ऐड कीजिए. कंट्री ऑफ रेजिडेंस आप इसके अंदर अपना सेलेक्ट कीजिए जैसे कि मैंने पाकिस्तान कर लिया. फ़ोन नंबर कंट्री कोड यहाँ पर आता है. प्रीफिक्स आता है एंड देन नंबर आता है. ठीक है अब इसके बाद आप इसके बाद ईमेल एड्रेस डालिए. टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट स्टेट्स दैट के आर यू ट्राइंग टू अपलोड अ पासपोर्ट और अ डॉक्यूमेंट नंबर. अब मैं चलें वन बाई वन आपको करके दिखाता हूँ होता कैसे है. ऑलराइट चीज़ें तो मैंने ऐड कर ली हैं. ठीक है अब मैं सिंपल क्या करूँगा उसको क्लिक कर दूँगा प्रोसीड पर. स्क्रोलिंग डाउन यू विल सी कंटिन्यू. अब दोस्तों बात यह है कि अब मैंने लॉरा मजिस्ट्रालिया के अंदर चले गया हूँ तो यहाँ पर एडमिशन एंड स्कॉलरशिप पर आप जाएंगे और यहाँ पर फिर वही एज यूजुअल प्रीलिमिनरी एप्लीकेशन पर जब मैं क्लिक करूँगा तो ये एक ओपन हो जाएगा. और यहाँ पर एज यूजुअल सेम टू सेम मुझे सारी चीज़ें वही ऐड करनी है. देखें हर चीज़ बहुत ईजी है. अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल जाना है PhD वाला जो प्रोग्राम है इनका इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट तो आप सिंपल क्या करेंगे एडमिशन पर जाएंगे और फिर स्टार्ट इसमें आगे फर्दर इसमें जो है वो एप्लीकेशन प्रोसीजर इसमें बताया हुआ है. लेकिन चलें खैर मैं और आपको इजी करके बताता हूँ कि क्या है क्या नहीं करना. तो सिंपल आप लॉरा मजिस्ट्रालय पर चले गए. लॉरा मजिस्ट्रालय पर जाने के बाद आपने ये सारा लिखा हुआ है यहाँ पर. ठीक है एडमिशन प्रोसीजर इसके अंदर लिखा हुआ है और आप चाहें तो उसको एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड भी कर सकते हैं विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. ओके अब यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है कि ये तो बेसिकली एक तरह की जो है वो अंडरटेकिंग लिखी हुई है. लेकिन फर्दर मोर आप चाहें तो आप ये देखें ज़रा. ओके होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा.
प्लीज़ दोस्तों डेडलाइन का ख्याल ज़रूर रखें, क्योंकि देखें हर अभी आपके सामने मैंने दोनों प्रोग्राम्स खोले हैं, तो यहाँ पर इनकी एप्लीकेशन डेडलाइन जो है वो बेसिकली अब 2021 लिखी हुई है, लेकिन जो आप अपने जहन के अंदर ना चलें कि 30 मई को ये फिनिश हो जाएंगे तकरीबन। चलें दोस्तों बैक टू द टॉपिक, अब हम क्या करेंगे, सिंपल जो है वो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर पहुँच गए हैं, यहाँ पर एडमिशन स्कॉलरशिप पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर गो टू एडमिशन फॉर्म जाएंगे। मैं ये सारी चीज़ें, अब हम एडमिशन जो है ना वो स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से फिल करना है। मैं अपने एप्लीकेशन फिल कर रहा हूँ, ठीक है, और इसमें आपको तरीक़ेकार बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप भी फिल करते हैं। तो हियर वी गो, यहाँ पर अपना नेम ऐड करूँगा, सारी चीज़ें ऐड करके आपको भी दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। देखने में ना कुछ इस तरीके से आपको शो होती है, मैंने इससे पहले भी किया था, जैसे आपके सामने ये शो हो रहा है। ओके, यहाँ पर टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट में आप सिंपल सी बात है क्या करें, पासपोर्ट सेलेक्ट कर लें, और यहाँ पर इसका जो भी पासपोर्ट नंबर है वो आप ऐड कर दीजिए, ठीक है, और सिंपल कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। मैं भी कंटिन्यू पर क्लिक कर रहा हूँ। ओके ठीक है, अब एम जितने भी PhD वाले हैं बहुत शिकवा करते हैं यार, शिकवा क्यों करते हैं कि भाई आप PhD नहीं बताते। चलो इसमें PhD का भी प्रोसीजर है, देखें इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर मास्टर्स प्रोग्राम तो फिर आपको यहाँ पर मोटिवेशन लेटर करना पड़ेगा, खुद यहाँ पर लिखा हुआ है, और अगर आप रिसर्च स्टेटमेंट अप्लाई करेंगे जब आप PhD की नहीं कर रहे हैं, फिर इसके बाद आपको ओरिजिनल एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पर ऐड करना है, जो कि मैं अभी यहाँ पर ब्राउज फाइल पर क्लिक करने के बाद ना इसको जो है मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने यूनिवर्सिटी की जितनी भी एंट्रेंस क्वालिफिकेशन है सब कुछ मैं ऐड कर रहा हूँ, और यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर मैं CV ऐड करूँगा, तो ओके अब मैं रिज्यूमे जो कि यूरोपा CV है वो मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, तो आई हैव एडिड। अब यहाँ पर नेशनल आइडेंटिटी कार्ड विच मीन्स दैट के यू हैव मस्ट हैव टू अप्लाई, यानी कि प्रूफ ऑफ आईडी कार्ड या पर पासपोर्ट, तो आप फ्रंट पेज लगा दीजिए एज़ यूजुअल जो है, और जो कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ओके जो कि मैंने सिलेक्ट कर ली है, और ये लीजिए कर दिया। अच्छा, प्रूफ ऑफ नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ये मैंडेटरी है, और क्या करेंगे आप यहाँ पर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट्स आप लगा देंगे यहाँ पर, जो कि मैंने कर दिया। अदर डॉक्यूमेंट्स, अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स से मुराद ये होता है कि आप इसके अंदर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लगा सकते हो, आप इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें लगा सकते हो, ठीक है। मैं तो मेरे ख्याल में मैं अगर आपके बदले होता और मेरे पास ये चीज़ें नहीं होती तो फिर मैं क्या लगाता इसके अंदर, अपने एम्प्लॉय लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, अपने रिसर्च प्रपोजल, और ये बहुत सारी चीज़ें। तो देखें जैसे कि आपके सामने ना हो गया है, ठीक है, और ये मैंडेटरी फील्ड्स हैं, ये आपको हर हाल में पे करनी है और हर हाल में सेटिस्फाई करनी है। अब भाइयों एमरजेंसी के तौर पर ना मैंने एक मोटिवेशन लेटर बनाया ऑनेस्टली स्पीकिंग, और चलें मोटिवेशन लेटर भी इसमें अटैच कर लेते हैं जो कि ये रिक्वायर्ड कर रहे हैं, और लेट्स सी क्या होता है, आइदर दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट मी और नॉट, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन देम। चलें ये लेटर ऑफ मोटिवेशन मिल गया है डॉक फाइल के अंदर, चलें ये हो गया। अब क्या करता हूँ मैं, कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि रेफरी, फर्स्ट रेफरी, सेकंड रेफरी, मतलब किसी बंदे को जब आप अप्लाई करते हो ना किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर, तो वो आपसे रेफरेंस मांगता है, आपका एम्प्लॉई हो या फिर आपका जो भी XYZ, आपका PhD प्रोफेसर हो, आपका जो है ऐसा बंदा जिसके साथ आपने काम किया हो एक्सेट्रा, तो आप ज़रूर इसके अंदर अपना एम्प्लॉई ऐड करें। ठीक है भाई, फर्स्ट का मैंने ऐड कर दिया है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर मैं क्या कर रहा हूँ, उसको सबमिट कर रहा हूँ, ठीक है, प्लीज़ वेट, लेट्स सी क्या होता है। आपको भी मैं वेट करा रहा हूँ ताकि आप देखो क्या आता है पहला रिज़ल्ट। चलो भाई, इनका एक रिस्पॉन्स आ गया कि कॉन्ग्रेचुलेशन आप हो चुके हो, चलो अच्छा है, सबमिशन रिसीव हो चुकी है उनको। अब लेट्स सी ईमेल देख लेते हैं क्या है। मैंने ईमेल चेक किया कई मर्तबा लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई ईमेल रिसीव नहीं हुई। तो दोस्तों ये था प्रोसीजर, बहुत इजी प्रोसीजर है, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ नेपलीज के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला, आप लोगों का PhD भी मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया है, आसान प्रोसीजर है, कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, तो बिल्कुल
फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला, दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।